Hello student, basically this question asks in GATE 2018 for 1 marks. The question is very easy and you know requires some basic fundamental. Okay, इसमें देखिए आपसे क्या कह रहा है कि जो op amp है is ideal and general diode of breakdown voltage कितना दिया गया है इसका basically 2.5 volt and the input is unit step voltage is applied that is Vin is equal to U of t. Elsewhere t is equal to 0, the voltage across each capacitor is 0. मतलब यहाँ पे 0-0 voltage दिया है जब आपने कोई भी सिग्नल नहीं लगाया। आपसे पूछा गया है कि वो टाइम क्या होगा जब वोल्टेज आपका क्या हो जाए माइनस 10 वोल्ट हो जाए। द क्वेश्चन इज वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे अगर पूछे मैं आपसे कि सर व्हेनेवर आई से दैट t is equal to 0 minus, तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, इधर भी कुछ नहीं होगा। सो डेफिनेटली द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज, यस। यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट। लेकिन ध्यान से अगर मैं आपसे पूछूं एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस, व्हाट अबाउट द टी इज इक्वल टू 0 प्लस, तो यहाँ कैपेसिटर में वोल्टेज 0 रहेगा, यहाँ भी वोल्टेज 0। सो दिस वुड बी शॉर्ट सर्किट, यस। ऑब्वियस ही बात है, एक सिंपल सा वायर होगा और आपका जो जेनर डायोड है व्हिच इज डेड, यस। तो डेफिनेटली वी हैव अ नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक होगा तो यहाँ 0। एंड व्हाट अबाउट द करंट, तो यहाँ देखिए ध्यान से जो करंट होगी व्हिच इज आई से अगर हम टी 0 प्लस की बात करें, सो 1 माइनस 0 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1, सो इट शुड बी 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी कितनी करेगी आपकी 1 मिली एम्पियर करेगी। समझ गए मेरी बात आपकी, नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, टी 0 प्लस पे करंट यहाँ 1 मिली एम्पियर है एंड ऑलवेज वी अप्लाई दी 1 वोल्ट, सो ऑलवेज वी ऑब्जर्व दैट द करंट इज 1 मिली एम्पियर, सो टी इज इक्वल टू 0 प्लस के बाद अगर आगे भी जाते हैं, लेकिन आप देखिए ध्यान से ये 1 मिली एम्पियर है, इसमें करंट जाएगी नहीं, सो इट शुड बी मूव लाइक दिस, यस। सो द कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, अब ध्यान से देखिएगा ये करंट इसमें भी जाएगी। स्टार्टिंग में अगर आप ध्यान से देखें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ 0 वोल्ट था तो कुछ भी नहीं रहेगा। एक्चुअली यहाँ मेरे पास ये इन्वर्टिंग यू नो एम्पलीफायर या इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन मैंने इसको यूज़ किया है, तो यहाँ पॉजिटिव लगा रहे हैं, इट शुड बी नेगेटिव। तो जेनर डायोड के फॉरवर्ड बायस होने का कोई सवाल ही नहीं है, इट इज ऑलवेज इन रिवर्स बायस, और किस में जा सकता है ये ब्रेकडाउन में। सो नाउ आई से दिस कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, तो जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं यहाँ पे कि ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा इस तरह से, ओके। सो व्हाट अबाउट द बेसिकली द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, सो आई जस्ट राइट 1/C I into dt। देखिए ध्यान से मेरे पास करंट कॉन्स्टेंट है तो 1/C और ये आई बाहर आ जाएगा इंटू टी, ओके। कोई बताएगा जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यू नो वोल्टेज 2.5 वोल्ट होगा, दिस इज प्लस माइनस 2.5 वोल्ट, सो डेफिनेटली आई से दिस जेनर डायोड गोज इनटू ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे मुझे देखना होगा वो कौन सा टाइम होगा जब मेरे पास इसके क्रॉस वोल्टेज कितना जाएगा 2.5। सो व्हेनेवर आई जस्ट पुट द आई, आई की वैल्यू कितनी 1 मिली एम्पियर, सी मुझे पता है 1 माइक्रोफेरेड, सो वी गेट बेसिकली दैट 2.5 मिली सेकेंड। तो आप ऐसे कहना चाहते हो कि 2.5 मिली सेकेंड के बाद इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा 2.5 वोल्ट हो जाएगा एंड इट गोज इन ब्रेकडाउन। जैसे ब्रेकडाउन में जाएगा सो इट बिहेव्स लाइक ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स, क्योंकि आपको पता है कि जब भी जेनर डायोड आपका ब्रेकडाउन में जाएगा तो डेफिनेटली आई से दिस इट बिहेव्स लाइक ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे मेरे पास एक 2.5 वोल्ट की बैटरी आ जाएगी, अभी फर्दर ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हो पाएगा, बट स्टिल आई से दिस कि कहीं ना कहीं मेरे पास ये जो करंट इसमें पंप होती रहेगी। तो अच्छा मुझे बात बताओ, जब ये 2.5 वोल्ट चार्ज होगा तो उस टाइम ये भी 2.5 वोल्ट चार्ज हो जाएगा, मीन्स आई से दिस अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे 2.5 वोल्ट, यहाँ भी 2.5 वोल्ट, क्योंकि भाई 2.5 वोल्ट ये चार्ज होगा तो भी क्योंकि इसमें सेम ही करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ भी 2.5 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ भी 2.5 वोल्ट आ जाएगा। तो अगर आप देखिए ध्यान से तो 0 है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 2.5 मिली सेकेंड बाद आपका जो अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास जो वी आउट है वो -5 वोल्ट पहुंच जाएगा। आपसे पूछा गया है कि वो टाइम बताइएगा जब आउटपुट कितना हो जाए आपका -10 वोल्ट तक पहुंच जाए। कुछ बात समझ आ रही नहीं आ रही, सो नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सी। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये फर्दर चार्ज हो पाएगा नहीं चार्ज हो पाएगा, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये 2.5 चार्ज हो गया, आप और देख लो कि ये 5 वोल्ट अगर और चार्ज हो जाए तो 2.5 और 5 7.5 और ये 2.5 है तो कितना हो जाएगा 10। मीन साइज इज दिस, जो ये वाला कैपेसिटर है इसको 5 वोल्ट चार्ज होने में भी और कितना टाइम लगेगा। तो हमने कहा सर ये वीसी है, करंट आपकी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी आई इंटू टी। तो देखिए ध्यान से कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको 5 वोल्ट और चार्ज करना है, तो सी पता, आई पता, टी पता, तो डेफिनेटली वीसी ये 5 t = 5 मिली सेकेंड। मतलब आप ऐसे कह रहे हो कि 2.5 वोल्ट चार्ज था, 2.5 वोल्ट तो अभी वी नॉट कितना रहा -10, ये और 5 वोल्ट चार्ज हो जाए तो कितना टाइम लगा रहा है ये 5 मिली सेकेंड। तो कितना हो गया आपका ये 5 मिली सेकेंड और ये कितना आपका है 5 मिली सेकेंड बाद कितना हो जाएगा ये बेसिकली ऐसे दिस 7.5 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा और 2.5 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है, तो आप ऐसे कह सकते हो बिल्कुल क्लियर कट तरीके से कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 7.5 वोल्ट, यहाँ पे 2.5 वोल्ट आ जाएगा 5 और ये कितना 2.5 मतलब यू नो 7.5 मिली सेकेंड में। तो 7.5 सेकेंड के बाद अगर ऑब्जर्व करोगे आप तो आपको आउटपुट कितना मिलना स्टार्ट हो जाएगा -10 वोल्ट। सो होप सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ही मतलब आसान सा क्वेश्चन था, रिक्वायर सम बेसिक फंडामेंटल। यहाँ पे कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है 1/C I into t, अगर आई कॉन्स्टेंट है तो आई को आप बाहर ले सकते हो। बात समझ आ रही नहीं आ रही, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, पहले 2.5 वोल्ट हुआ, इसका ब्रेकडाउन हुआ, फर्दर तो चार्ज होगा नहीं, तो 2.5 ये चार्ज हुआ, 2.5 ये चार्ज हुआ,
तो ढाई सेकंड में ढाई ढाई वोल्ट हो गई, तो आउटपुट क्या आएगा माइनस पांच। अगले पांच सेकंड में कितना चार्ज हो जाएगा और 5 वोल्ट, तो यहां 7.5 यहां पे 2.5, तो कितना आ जाएगा जीरो, ये तो -10, तो इसको और 5 वोल्ट चार्ज होने कितना टाइम लगा 5 मिली सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका 7.5 मिली सेकंड टू चार्ज, लाइक इसको 7.5 इसको 2.5, तो वी नॉट कितना आने लगेगा आपका -10, तो 7.5 मिली सेकंड के बाद आप देखेंगे आउटपुट कितना पहुंच जाएगा आपका -10 वोल्ट पहुंच जाएगा। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.